कोरोना की नई लहर का कहर धीरे धीरे देश के कई राज्यों में पैर पसारता जा रहा है। कई शहरों में लॉकडाउन लगाया गया है तो कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। वैक्सीन की तेज रफ्तार के बावजूद कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां तक कि भारत में नए वेरिएंट्स के मामले भी मिलने लगे हैं। इससे सबसे ज्यादा खौफ नौकरी पेशा लोगों में है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि कोरोना की नई लहर को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है। I think that while we need to continue to be very closely monitoring this, we do not want people to panic, and we would, for the time being, recommend that countries continue vaccinating with AstraZeneca. But we will have more updates tomorrow or at any time when there is a change in this recommendation. Do new variants jo abhi aa chuke hain corona ke uski tez gati se prasarit sankramit karne ka proof to ho chuka hai worldwide, lekin ye sankraman jo tezi se pair phasa rahi hai ye chinta ki baat zarur hai, lekin yaad rakhein chahe koi bhi corona ki variant aaye usme duri maintain karna, हाथ को बार बार सैनिटाइज करना और मास्क पहन के आपको अपनी सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। साथ में ये भी अच्छी बात है कि हमारे वैक्सीनेशन काफ़ी तेजी से हो रहा है। वैक्सीनेशन से संक्रमित होने के बाद भी वैक्सीनेट करते हैं तो वो जानलेवा साबित नहीं होगा। मेडिकल एक्सपर्ट्स की चिंता के बीच कोरोना की इस नई लहर का असर आने वाले दिनों में किस कदर रोजगार पर भारी पड़ सकता है, इसका अंदाजा बीते साल कोरोना के पीएफ खातों पर हुए अटैक से समझा जा सकता है। ईपीएफओ का कहना है कि पिछले साल लॉकडाउन के बाद देश में जो हालात बने उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत सैलरी क्लास के लोगों को हुई। इसके असर से पिछले साल अप्रैल से दिसंबर के बीच 70 लाख से ज्यादा पीएफ खाते बंद कराए गए, जो सैलरी क्लास की बर्बादी की कहानी बयां कर रहा है। ईपीएफओ के खाते में जो पैसे जमा कराए जाते हैं उसे लोग बेहद जरूरत होने पर ही निकालते हैं। पिछले साल अप्रैल से दिसंबर के बीच पीएफ खातों से 73,498 करोड़ रुपए निकाले गए। ये आंकड़ा साल 2019 के हिसाब से करीब 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा। कोरोना काल में सरकार ने पीएफ खातों से रुपए निकालने पर बड़ी छूट दी थी। तब खाता धारकों को मूल वेतन और महंगाई भत्ते से नॉन रिफंडेबल अमाउंट निकालने की सुविधा थी, लेकिन ये रकम का 75% या 3 महीने के महंगाई भत्ते में जो भी कम होके बराबर मानी जानी चाहिए थी। ईपीएफओ के आंकड़े साफ जाहिर करते हैं कि कर्मचारी वर्ग को पीएफ में निवेश करना काफी पसंद है। 2020-21 के आंकड़े तो 31 मार्च के बाद सरकार बताएगी, लेकिन 2019-20 में 1.68 लाख करोड़ रुपए, 2018-19 में 1.41 लाख करोड़ रुपए और 2017-18 में 1.26 लाख करोड़ रुपए जमा कराए गए थे। ईपीएफओ ने 2020-21 के लिए पीएफ खातों पर 8.50% ब्याज देने का ऐलान किया है। पिछले साल के मुकाबले इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार के इस ऐलान से कर्मचारी वर्ग को काफी राहत मिली है, लेकिन ये राहत तभी काम करेगी जब कोरोना का कहर थम जाएगा और नौकरी जाने का डर गायब हो जाएगा। वैसे जानकारों की माने तो कोरोना अब कहीं जाने वाला नहीं है, ये हमेशा के लिए लोगों के जीवन के आसपास मंडराता रहेगा। ऐसे में बचाव के जरिए ही इसे फैलने से रोका जा सकता है और वैक्सीन इसमें बड़ा रोल निभा सकती है। इसे रोकने के लिए हमें बहुत ज्यादा पाबंदियां है, लॉकडाउन नहीं लगानी चाहिए। इस समय हमें कोरोना से लड़ना भी है और अर्थव्यवस्था में तेजी भी लानी है, तो आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगाना समस्या का समाधान नहीं है। और अगर पाबंदियां ज्यादा होगी तो सर्विसेज और मनी का फ्लो रुक जाएगा, जो इकोनॉमिक स्लोडाउन का कारण बनेगा। कोरोना कोई सीजनल बीमारी नहीं है जो समय के साथ चली जाएगी। पोलियो और टीबी के जैसे ही हमें कोरोना से लड़ना होगा और सारी सावधानियां बरतनी होंगी। अब देखना यही है कि वैक्सीन किस कदर कोरोना को रोकने में कामयाब हो पाती है और किस तरह से सावधानी बरतकर लोग कोरोना से खुद को बचा कर रख पाएंगे। अगर ये दोनों काम करने में सफलता मिलती है तो फिर कोरोना के साथ जीने और आगे बढ़ने में लोगों को सफलता मिल सकती है।